नमस्कार, पूरा प्रदेश उत्तर प्रदेश दिख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों का ही जन्मदिन है। इस मौके पर सीएम योगी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर नमन किया है। देखिए क्या कुछ लिखे हैं, मुख्यमंत्री की ओर से क्या लिखा गया। अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। नमना सत्य अहिंसा और स्वच्छता का संदेश देता बापू का जीवन हम सभी के लिए महान प्रेरणादायक है। अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर मुख्यमंत्री ने पोस्ट कर शत शत नमन किया है, श्रद्धांजलि अर्पित की है उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने। सादगी, सदाचार, शुचिता व कर्तव्य निष्ठा के प्रतीक पुरुष, किसान के उद्घोष से राष्ट्र में नव चेतना का संचार करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की ओर से पोस्ट किया गया है लाल बहादुर शास्त्री के जयंती, और आपको बताते चले कि बापू की जयंती पर नमन किया गया है मुख्यमंत्री की ओर से अपने पोस्ट के जरिए। महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के अवसर पर सीएम योगी ने आदित्यनाथ ने लखनऊ के गांधी आश्रम पहुंचे हैं। इस दौरान सीएम योगी ने चरखा भी चलाया है। वहीं गांधी आश्रम में अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा है कि गांधी जी अहिंसा के प्रतीक हैं। गांधी जी ने हमेशा ही मानवता की सेवा की है। महात्मा गांधी जी के प्रति राष्ट्र के लिए और मानवता के लिए उनके योगदान के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते थे। उनकी स्मृतियों को नमन कर रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज इस पावन पर्व पर प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती और प्रधानमंत्री जी के पावन जन्मदिन से प्रारंभ हुआ सेवा पखवाड़ा का यह कार्यक्रम आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इस पावन जयंती तक निरंतर चल रहा है। और प्रातःकालीन सत्र में अभी कुछ देर पूर्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जिन मूल्यों के लिए, जिन उद्देश्यों के लिए भारत के स्वावलंबन, भारत के स्वदेशी और स्वच्छता के जिन अभियानों को आगे बढ़ाया था, उन प्रमुख उद्देश्यों में से एक स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत मुझे इस कार्यक्रम के साथ यहां जुड़ने का एक अवसर प्राप्त हुआ। तो इसी बीच एक बड़ी जानकारी लखनऊ से मिल रही है, उसे आप खुद रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर का आज कार्यक्रम है। गांधी जयंती और स्वच्छता पखवाड़ा समापन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 11 बजे पंचायती राज विभाग में कार्यक्रम होगा। मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में ओपी राजभर शामिल होंगे। तो कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर आज कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। गांधी जयंती स्वच्छता पखवाड़ा समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 11 बजे पंचायती राज विभाग में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि ओपी राजभर शिरकत करेंगे, शामिल होंगे। लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, लोक भवन में संगोष्ठी का आयोजन होगा। द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी पुस्तक पर संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन है। डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम ने ये पुस्तक लिखी है। संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन होगा। सीएम योगी, बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मंत्री धर्मपाल सिंह भी शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। लोक भवन में संगोष्ठी का आयोजन होगा। द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी पुस्तक का आज आपको बता दें कि विमोचन किया जाएगा। पुस्तक पर संगोष्ठी का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बाला सुब्रमण्यम ने इस पुस्तक को लिखा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे, मंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे,
उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। वक्त यहां पर छोटे सा ब्रेक का है, फौरन होंगे हाजिर, रहिए हमारे साथ। ए कमला, हाँ बात थारे काम की, नारी के सम्मान की, तुमने सुनी सके? कौन सी बात है? ये अपने दुष्यंत ने वादा करया से, अब जब हरियाणा में जेजेपी की सरकार बन जावेगी तो राशन डिपुआ की तर्ज पे महिलाओं ने कोऑपरेटिव सेक्टर के वीटा बूथ, हरित केंद्र आदि के संचालन में वो 33% की हिस्सेदारी सुनिश्चित करेगा। अच्छा ये या तो सही में मारे हक की बात से। हाँ तो अपने हक्का की खातर 5 अक्टूबर के दिन चाबी के निशान का बटन दबाना से और जेजेपी के उम्मीदवार ने जिता के अपना दुष्यंत सीएम बनाना से। हाँ हमने तो सुन ली, इत थाम भी सुन लो, मौका है इब के जेजेपी की सरकार ने चुन लो। बने नॉन स्टॉप हरियाणा, सब कमल का बटन दबाना, 5 तारीख को निकल के आना सारे अपने घर से। भरोसा दिल से, बीजेपी फिर से, भरोसा दिल से, बीजेपी फिर से। कमल का बटन दबाओ, बीजेपी को जिताओ। स्वागत है जनता टीवी में। तो चलिए रुक करेंगे, एक बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। वाराणसी से ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जमैका के पीएम एंड्रयू हॉलनेस आएंगे वाराणसी, गांधी जयंती पर भगवान बुद्ध का दर्शन करेंगे। 11 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे एंड्रयू हॉलनेस, एयरपोर्ट से सारनाथ जाएंगे प्रधानमंत्री एंड्रयू हॉलनेस, पुरातत्व धरोहर देखने जाएंगे पीएम। तो भगवान बुद्ध का भी आज दर्शन करेंगे, दशाश्वमेध घाट की भी गंगा आरती में शामिल होंगे। वाराणसी पहुंचेंगे आज जमैका के पीएम एंड्रयू हॉलनेस, वाराणसी आएंगे, गांधी जयंती पर भगवान बुद्ध का दर्शन करेंगे। 11 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे जमैका के पीएम, एयरपोर्ट से सारनाथ भी जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, भगवान बुद्ध का दर्शन भी करेंगे, दशाश्वमेध घाट के गंगा आरती में शामिल होंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने, गांधी जयंती पर भगवान बुद्ध का दर्शन करेंगे, 11 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे जमैका के पीएम। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी वाराणसी से धर्मेंद्र चौबे जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, आज जमैका के प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंचने वाले हैं, तैयारियां किस तरह की है वहां पर? देखिए, एक खुशबू एक कहावत काशी की कही जाती है, अतिथि देवो भव। काशी तर्ज पे अगर कोई भी विदेशी मेहमान काशी की धरा और भारत की धरती पर आता है तो काशी की जनता उसको अतिथि देवो भव के तर्ज पे पूरी स्वागत के लिए उमड़ जाती है। और वही आज जो एंड्रयू हॉलनेस प्रधानमंत्री जमैका के वाराणसी में एक दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए काशी को पूरी दुल्हन की तरह सजाया गया है। वाराणसी एयरपोर्ट से लेकर भगवान बुद्ध की तपोस्थली, वहां से लेकर नमो घाट और नमो घाट से लेकर गंगा स्थल तक पूरी सजावट की गई है। और बात की जाए एंड्रयू हॉलनेस का पूरा जो दौरा है और कार्यक्रम है, वो लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट से लगभग 11 बजे वाराणसी के लिए रवाना होंगे। वाराणसी में वो सीधे पहले भगवान बुद्ध की तपोस्थली पर पहुंचेंगे और उनके जो प्रसिद्ध धमे स्तूप है वहां पे वो जाएंगे और शीश नवाएंगे। उसके साथ साथ जो भगवान बुद्ध की तपोस्थली पर संग्रहालय बना है उसका अवलोकन भी करेंगे। भगवान बुद्ध से जुड़े इतिहास की महत्वपूर्ण स्थलों में चूंकि माना जाता है और उसका पूरा वो अवलोकन करेंगे कि भगवान बुद्ध की आखिर चीजें क्या क्या है, क्या संग्रहालय बना है,
क्या उनके स्तूप जो धरोहर कही जाती है, धरोहर का क्या महत्व है, तमाम चीज है जिसको वो काफी देर तक समय व्यतीत करेंगे सारनाथ भगवान बुद्ध की तपोस्थली पर। धर्मेंद्र वो जी धर्मेंद्र दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती में भी शामिल होंगे, क्योंकि वाराणसी अगर आप पहुंचे हुए हैं और आरती में शामिल ना हो ये हो नहीं सकता, और आज जमैका के प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। देखिए खुशबू, जमैका के प्रधानमंत्री सारनाथ बुद्ध तपोस्थली होने के उपरांत वो पहुंचेंगे होटल ताज, वहां से थोड़ी देर विश्राम के बाद वाराणसी में जो हस्तकला संकुल ट्रेड फैसिलिटी सेंटर बनाया वहां जाएंगे और वाराणसी की जो हस्तशिल्प एवं व्यापारिक गतिविधियां है उसकी भी जानकारी उनको दी जाएगी। यहाँ की व्यवसाय की गतिविधि, यहाँ के स्थानीय चीजों का जो ट्रेड फैसिलिटी सेंटर से विदेश तक आयात निर्यात होता है उसका अवलोकन करेंगे। उसके उपरांत वह नमो घाट जाएंगे जहाँ क्रूज से विश्व प्रसिद्ध जो गंगा आरती सायंकाल की होती है उस आरती का भी अनुभव लेंगे कि आखिर विश्व प्रसिद्ध प्रतीक कहा जाता है और विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का जो नाम है उसके तथ्यों को जानेंगे और काशी की जो संस्कृति है, साहित्य है, कला है उसका भी कहीं न कहीं वो पूरी तरह से अवलोकन करेंगे और गंगा आरती में सम्मिलित होने के उपरांत वो फिर ताज होटल पहुंचेंगे जहां विश्राम करेंगे। पूरे कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी और कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना उनका एयरपोर्ट पर स्वागत करेंगे और उनका काशी में प्रतिनिधित्व करेंगे, जगह जगह उनके साथ वो उपस्थित होंगे। खुशबू बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो एयरपोर्ट से सारनाथ भी जाएंगे पीएम एंड्रयू हॉलिस, पुरातत्व धरोहर देखने जाएंगे प्रधानमंत्री। आपको बताते चले कि भगवान बुद्ध का दर्शन भी करेंगे वाराणसी के दौरे पर ही, एक दिवसीय ये दौरा है, कई मायनों में ये दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, हरियाणा के रण में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी उतरेंगे, हरियाणा में 6 जनसभा को संबोधित करेंगे, बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे, जनता से वोट की अपील करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। बड़ा अपडेट, हरियाणा के रण में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी आज चुनावी प्रचार करेंगे, हरियाणा में 6 जनसभा को संबोधित करेंगे, जनता को लुभाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। मंच पर बताते चले कि आपको कि यहां पर जनसभा भी आयोजित की जाएगी, जनसभा में भी जनता को पूरी तरह से अपने पक्ष में, अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देने से की अपील की जाएगी। तो आज जनता से वोट की अपील करेंगे ब्रजेश पाठक, आज जनसभा करेंगे, 6 जनसभा करते हुए नजर आएंगे हरियाणा के रण में आज उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। आज पितृपक्ष का अंतिम दिन है, यानी आज सर्व पितृ अमावस्या है। हिंदू धर्म में सर्व पितृ अमावस्या को काफी महत्वपूर्ण माना गया है। आज के दिन उन पूर्वजों का श्रद्धा का की जाती है जिनकी, बताते चले आपको कि मृत्यु अमावस्या पूर्णिमा तिथि को हुई, साथ ही उन मृत पूर्वजों का भी श्रद्धा होता है जिनकी मृत्यु की तारीख के बारे में मालूम नहीं होता। वही इसको लेकर उत्तर प्रदेश से अलग अलग तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो आज अमावस्या का अमावस्या है आज अयोध्या हापुड़ गाजीपुर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से अपने पितृ को अर्पित करते हुए, जल अर्पित करते हुए यहां पर आज अमावस्या के दिन पूजा अर्चना करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, अपने पूर्वजों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए लोग, पिंड दान करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। आज पितृ विसर्जन अमावस्या है। साल में कुवार के कृष्ण पक्ष 16 दिन धर्मराज के यहाँ जो सकल पितृ पृथ्वी पर आते हैं, अपने परिवार जन के यहाँ जाते हैं, सबका आसरा होता है, इनको सबको आसरा है कि हमारे जितने बच्चे जन्म लिए हैं सब हमको तर्पण करेंगे, जल देंगे, पिंडा करेंगे, श्राद्ध करेंगे। तो ये 16 दिन से सब तर्पण कर रहे हैं और जल दे रहे हैं, पिंडा श्राद्ध कर रहे हैं कि हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिले। आज अमावस्या है और पितृ विसर्जन के लिए हम सब आए हुए हैं यहाँ पे,
और क्या नाम है, यहाँ पे हम नहा के धो के अपना प्रदर्शन करेंगे। आज की मान्यता यह होती है कि हम अपने पितरों को क्या नाम है यहाँ पे विसर्जन करते हैं, पानी देते हैं गंगा नदी सरजू नदी में। हाँ, आज पितृ विसर्जन अमावस्या है, आज के दिन यहाँ पर स्नान करने से पितरों को मुक्ति मिलती है, पितृ अपने लोग को प्रस्थान करते हैं और यहाँ हम लोग को पूरे परिवार को समाज को आशीर्वाद दे के पितृ लोग को प्रस्थान करते हैं। यहाँ की मान्यता बहुत ज़्यादा है, यहाँ सरजू घाट पर स्नान करने से पितृ मुक्ति मिलती है। आज ये पैतृक अमावस्या है, जो पितरों का विसर्जन होता है, जो हम लोग पंत तर्पण किया गया है, आज उससे मुक्ति मिलता है। हम लोग पितरों को आज से वहाँ से मुक्ति धाम पहुँचाते हैं, इसलिए हम लोग आकर अयोध्या तीरे सरजू स्थान पर अपने पितरों को तर्पण के लिए मुक्ति कराते हैं। मैं अपने पिताजी के श्राद्ध पर आज पिंडदान किया हूँ माँ गंगा के तट पर, ताकि हमारे पिता जो पितृपक्ष में आए अपना पिंडदान सुरक्षा से ले सकें। अभी से साल भर में एक बार जो है पिंडदान किया जाता है, ताकि एक साल में पिंड अपना पितृपक्ष में पितृ लोग आ करके अपना इसको ग्रहण कर लें। भाई अपने पितरों को शांति रखने का, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा और उनसे परिवार की वृद्धि होगी। बुलेटिन में वक्त है ताबड़तोड़ खबरों का। बुलंद शहर में चोरों का आतंक, बुजुर्ग व्यक्ति की कार से निकाले 5 लाख रुपए, सीसीटीवी में कैद हुई है पूरी वारदात। पीलीभीत में निजी अस्पताल में दंपति ने लिया है आईवीएफ ट्रीटमेंट, लाखों के खर्चों के बाद निकाला गया जीरो, दंपति ने जिलाधिकारी से लगाई न्याय की गुहार। पीलीभीत में सपा नेता ने गन्ना विकास समिति और सहकारी चीनी मिल के चुनाव में धांधली का लगाया है आरोप, बोले बीजेपी के राज में हो रही है गुंडागर्दी। फतेहपुर में छात्रा की मौत के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचे छात्रा के घर, परिजनों को हर संभव मदद का दिया आश्वासन, बीजेपी पर साधा निशान। भदोही में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले योगी के राज्य में पुजारियों की हो रही हत्या, विपक्ष को किया जा रहा प्रताड़ित। मैनपुरी में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत बना है चर्चा का विषय, बच्ची ने पुलिस को फोन कर दी है जानकारी, जलती चिता से पुलिस ने शव को निकाला है बाहर। बिजनौर में मोर सहित अन्य पक्षियों को मिले शव, वन रेंजर के शवों को कब्जे में लिया गया, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद जांच होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।